Bismillahir Rahmanir Rahim. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الضجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نا درود و سلام پڑھو سارے باواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى صحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الله رب العالمين دي حمد و ثنا تو بعد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہدیے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد رب کنا دی بارگاہ دے اندر دعا گوں اللہ تعالی جو قرآن مجید دے اندروں پڑھیا ہے اللہ تعالی اس دے حق بیان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے جتھے تک میری آواز جاری ہے اللہ تعالیٰ حق سن کے حق دے عمل دی سانو سب نو اللہ توفیق عطا فرمائے. تو حضرات گرامی ماہ سفر المظفر دا اے مہینہ میں اس مہینے دے اندر ذکر اولیاء نہ کیتا جائے اے انجی ہوندا ہے جویں محرم دے وچ ذکر اہل بیت نہ کیتا جائے تے پتہ نہیں ہوندا کہ محرم آیا ہے. اسی طرح بھی یہ ذکر حضورا رہ جاندا وے. انشاءاللہ ذکر اولیاء بھی ہوئے گا تے جتھو اولیاء فیض لے کے جا رہے ہیں اس داتا علی حجویری دا ذکر بھی ہوئے گا. حضور داتا علی حجویری وہ ہستی نے کہ جنہ دے بارے پیرہ نے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے دور دے اندر اے علی حجویری اگر آ جاندا تے میں غوث اعظم ان دے ہتھے بیعت کر کے انہاں دا مرید ہو جاندا. یہ حضور غوث اعظم دے الفاظ نے
पीरा ने पीर दे अल्फाज ने कि आप हजूर दादा अली हजवेरी हजूर गौसे आजम तो पहले आए, वो पहले दुनिया तो पर्दा भी फरमा गया, तो आप दी इतनी शान के पीरा ने पीर हजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे ने कि मैं अगर उन्हों का जमाना बनता तो मैं उन्होंने हाथ से बैत करके उन्होंने मुरीद हो जाता। कितनी अजमत शान मकाम है उन्होंने। तो हजूर दादा अली हजवेरी आओ अल्लाह का कुरान जेड़ा पढ़िया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खल्के कैनात ने फरमाया कि खबरदार, अला इन्ना औलिया, खबरदार कोई भी औलिया अल्लाह के बारे बक बक न करे। फरमाया ला खौफुन, उन्होंने किसी गम किसी चीज का किसी अमर का खौफ नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, ना गमगीन होंगे कदों जो कयामत का दिहाड़ा होगा। हशर आले दिहाड़े वह बिल्कुल पर अमन और सुकून होंगे, चाहे उत्थे जितना भी अल्लाह दी जो जलाल सावा नेजे ते सूरज होएगा, जितना भी उत्थे परेशानी का सामना होएगा, पर इन्हां नूं खौफ नहीं होएगा क्योंकि इन्होंने दुनिया की जिंदगी अल्लाह उनके रसूल के ताबे होके गुजारी है। ते जेड़ा अल्लाह उनके रसूल के ताबे हो जाए, दुनिया के रब तो डर के जिंदगी बसर करे, दुनिया के रसूलुल्लाह की मुहब्बत में जिंदगी बसर करे, वो दुनिया के औखा टाइम गुजार लेंदा वे, पर कयामत वाले दिन जिस दिन औखा टाइम होना वे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला खौफुन, इन्हों किसी गम गल का खौफ नहीं होगा। ये पुरसकून होंगे और बिल्कुल पुरसकून होंगे, किसी अमर का इन्हों खौफ नहीं होगा। उस वक्त इन्हों अल्लाह दियाँ रहमत ही नजर आदि हो खौफ उन्होंने होगा कि जेड़े लोग अल्लाह उनके रसूल के ताबे होकर जिंदगी बसर ना की हुई ना। अल्लाह ताला ने कुरान अंदर फरमा दिता कि इन्हों किसी गल का गम भी नहीं होगा ना खौफ होएगा, ये बिल्कुल पर अमन और पर सुकून होंगे। इन्हों सवा नेजे दे सूरज आ जाए, इन्हों सवा नेजे दे सूरज आए दी कोई घबराहट नहीं होएगी। उते लोग अपने पसीने के अंदर डुब रहे होंगे, पर ये पसीने के अंदर डुब नहीं रहे होंगे बल्कि इन्हों दे अल्लाह दियां रहमतां बरसरियां होंगियां, अल्लाह दियां रहमतां बरसरियां होंगियां। तो हजरात ग्रामी, अल्लाह दा वली हुंदा ही होए कि जेड़ा कुरान के ताबे होकर जिंदगी बसर करें और मुस्तफा की मुहब्बत में जिंदगी बसर करें। वली अल्लाह सिर के बालों तो लैके पैरों के नाखना तक पूरे का पूरा वजूद होंदा शरीयत दे मुस्तफा दे ताबे होवे, पूरे का पूरा जिस्म उनका मुस्तफा की सुन्नत दे ताबे होवे, ते फिर ही वह वली हो सकता है। वली वो कदी नहीं हो सकता, चाहे आसमाना दे विच उड़दा रहे, चाहे वह हुक्म दवे तो बारिश नाजल हो जाए, हुक्म दवे तो जमीन अनाज उगा छड़े, चाहे हुक्म दवे तो बीमारी खत्म हो जाए, जे किसी नूं फूक मारे बीमारियां खत्म हो जान, उन्हूं वली नहीं मनना। वली उन्हूं ही मनना जिहड़ा रसूलुल्लाह दी सुन्नत ते अमल करन वाला होएगा, जिहड़ा हर हर मुस्तफा दी अदा ते अमल करन वाला होएगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे बारे आंदा कि आप पान दे बड़े शौकीन सी, कादे सी पान दे शौकीन सी, पान बड़ी मुहब्बत नाल खाया करदे सी। आपने बड़ा मुहासरा किया, अल्लाह का प्यारा जदों भी जो कुछ भी तनावल फरमाता है ये सोचता है पहले कि ये अल्लाह ने अल्लाह के प्यारे महबूब ने खाधा या नहीं खाधा। हजूर पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह की दाल आले आपने पान खाना तो फिर दिल में सोच रहनी किधरे रवायत मिल जाए, किधरों किधरों ना किधरों कोई गल मिल जाए कि ये हजूर ने पान तनावल फरमाया वे, पान तनावल फरमाया है, तो फिर यह खाना भी मेरे वास्ते सुन्नत बन जाएगा, यह खाना भी सुन्नत बन जाएगा।
आओ मुसलमान भाइयों करीमा गले सलातू सलाम ने ओलामो की होया हुजूर पीर नसीरुद्दीन नसीर अहमदुल्लाह की दाला लई हिंदुस्तान ने अंदर बाबा हिंदर रद्दी रतन लार रहने वाला बाबा वे इने की गीता हिंदुस्तान ने अंदर जेड़ा राजा वे इने अन गीता उन्हें आख्या जल्दी कर बाबा तैयारी कर उन्हें आख्या बाऊ अपने राजे नु कहन लगा किधर जाना है उन्हें आख्या जल्दी कर रब दाऊ सफर करना वे उठे जाना सुनिया एक मुसलमाना दा नबी आया वे जिन्हें नबुवत दा ऐलान कीता है जा जल्दी जा उंदी बारगाह विच चला जाऊ ए मेरे वल्लो तीन चीजा ले जाऊ तीन चीजा ले जाऊ ए तीन चीजा ले जाऊ अगर वो नबी होया तो तिना चीजा नु जानन वाला होएगा अगर नबी ना होया अगर इन्हां चीज तिना चीजा का जवाब ना दे सकिया फिर नबी नहीं फिर नबी नहीं हो सकता जे इन्हां तिना चीजा का जवाब देगा पहली चीज उन्हें आख्या सलवार कमीज ले जा की सलवार दे कमीज नाला नाल दे दिता नाला सलवार दे विच नहीं पाया ए बाबा रतन लाल हिंदी ए गल सुनांदा है ते लिखण वाले पीर नसीरुद्दीन नसीर अहमदुल्लाह की दाला आले आपने फरमाया कि ए लेके आया उन्हें आख्या कि राजपाल जेड़ा हिंदू सी ना राजा सी हिंदुस्तान दे अंदर रहण वाला उन्हें आख्या अगर वो नबी होया तो उन्हें पता होएगा कि हिंदुस्तान दे विच रहण वाले सलवार पहनते ने इनका पहनने का तरीकाकार की सलवार वास्ते की चीज जरूरी नाला जरूरी नाले तो बिना सलवार नहीं बजे उन्हें आखिया जा लेके जा जी अगर नाला तलब करेगा तो पता होएगा अगर नाला तलब ना किया तो फिर पता लग जाएगा कि इस नबी नहीं हो सकता ए नबी नहीं हो सकता कुर्बान जावा बाबा रतन लाल हिंदी चलता चलता अरब दे अंदर आया सहाबा दा जम्मे गफीरे मेरे मुस्तफा करीम तशरीफ फरमाने अल्लाह दे नबी ने जदों वेख्या हिंदुस्तान दे अंदर उन्हें सब तो पहला जेड़ा है जेड़ा राजे ने गल की थी उन्हें कहा जा और पहली गल है कि नबी होएगा तो हर जबान जानन वाला होएगा हर जबान विच गल करता होएगा जे तू जा रहा है हिंदी विच गल करी पहली गल होंदी है शब्द सी अगर हिंदी विच जवाब देगा एक गल तो फिर पूरी हो जाएगी आन के बाबे ने गल की थी ये तो गल की थी हाल चाल पूछा तो मेरे मुस्तफा ने हिंदी जुबान विच जवाब दिता अल्लाह के नबी ने हिंदी जुबान विच जवाब दिता जो तो जवाब दिता बाबा रतन लाल कहंदा एक गल तो हो गई पूरी एक गल हो गई पूरी हुण दूजी उन्हें तोहफा पेश किया हजूर साढ़े राजे ने तुहाडे वास्ते सलवार ते कमीज भेजी है अल्लाह दे नबी ने फरमाया इनू फिर बनन वाली शै भी लै आ इनू बनन वाली शै भी लै आ दूजी शै भी पूरी हो गई तीजी उन्हें पान पेश किया अल्लाह दे नबी दी बारगाह दे अंदर की पेश किया ये लिखण वाला पीर नसीरुद्दीन नसीर है आम बंदा नहीं कोई मुला नहीं अल्लाह दा वली है पीर मेहरे अली शाह दा लाल है सैयद ज़ादा वे आपने फरमाया कि तीसरा उन्हें पान पान का कल्ला पत्ता पेश किया पान दे विचों जेड़ा मसाला रखते ने वो नहीं दिता कल्ला पत्ता पीरा कल्ला पत्ता पेश किया और राजे ने कहा सी अगर पत्ते दे नार इन उत्ते रखने वाला पान तलब करे तो फिर उस सोने मुहम्मद की गुलामी इख्तियार कर लाई अल्लाह अकबर कबीरा जदों मुस्तफा करीम अली की सलातो असलाम की बारगाह के अंदर पत्ता पेश किया अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ बाबा रतन लाल तू मैनू नहीं जानदा मैं तेनू जानना वा फरमाया कि इंदे उत्ते ए पत्ता दे छड्या जिहड़ा उंदे उत्ते मसाला रखींदा जरा वह भी लैके आ जरा वह भी लैके आ इनू पीर नसीरुद्दीन नसीर ने फरमाया कि अहादीस चाहे मौजू ही होगी पर मिल तो गई ना कि मेरे मुस्तफा ने पान भी तनावल फरमाया वे है इस वजह दे नाल फरमाया कि अल्लाह दा वली होंदा ही होए जेड़ा खाए पिए उठे बैठे हर कदम ब कदम अपने मुस्तफा दी अदा ते चलदा होवे है जेड़ा अपने आका करीम दी अदा नु अपनाउण वाला होएगा वली होवेगा ही
ते जेड़ा दुनियादार होएगा वली नहीं हो सकता। जेड़ा दुनिया दे सौदे करने वाला ए दुनिया दा मालो मता जमा करने वाला होएगा ओ वली नहीं हो सकता, दुनियादार भी हो सकता है पर अल्लाह दा वली नहीं हो सकता। वली उही होएगा जेड़ा दुनिया नु कंड करके ते शरीयत मुस्तफा दा ताबेदार होएगा। फरमाया इस वजह दे नाल मैं जेब नहीं लगवांदा कि इंदे विच लोग पैसे पांदे ने, अगर ऐ दुनिया दी दौलत मैं अपने दिल नाल ला के रखांगा ते मैनूं मुहब्बत दुनिया दी दौलत नाल हो जाएगी। इस दिल विच मुहब्बत सिर्फ अल्लाह दी रखना जानना दी आंदे सोने हबीब दी रखना जानना वा, ये अल्लाह दे वलियां दी अदा हुंदी, अल्लाह दे प्यारियां दी अदा हुंदी है। तो हजरत पता ही लग्या हजूर दाता अली हजवेरी पीरा ने पीर आप दी दरगाह तो आज भी जाके वेख लो रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, हुकूमत गल्लियां ते पईयां पलदियां ने कौम लंगर ते भी पलदी है। आज भी जाके वेख लो कोई रात दे हिस्से दे अंदर भी कोई टाइम ते जाके वेख लवे, हर वक्त सुबह होवे दोपहर होवे शाम होवे जेड़ा वेला भी होवे हर वक्त दाता अली दा लंगर चलदा ही पिया वे। दाता दा लंगर है चलदा है पिया वे। आओ मुसलमान भाइयों करीम आका ने सलातू सलाम ने ओलामो मेरे करीम आका दे नाल प्यार करने वालों मेरे दादा अली अजवेरी नू आप दे पीरो मुर्शिद ने हुक्म दिता हूं पुत्तरां कर छड़ी अफगानिस्तान दा इलाका भी छड़ दे जल्दी करना जरा लाहौर दी सरजमीन ते चला जाओ। अरज की दी हुजूर उत्थे ते मेरा पीर भाई पहले ही रहंदा वे। आपने फरमाया हूं पीरो मुर्शिद ने हुक्म दिता अली हजवेरी इतने सवाल ना कर ये जिड़ा कुछ मैं किया वे तू चला जाए मेरा आर्डर है मेरा हुक्म है तू चला जाऊं क्योंकि जो कुछ मैं वेना वा वो तू नहीं वेना, जो कुछ मैं वेख रहा वा ओ तू नहीं वेख रहा हूं लिहाजा इंज कर चलना हूं। आपदा नाम अली बापदा नाम उस्मान इलाका अफगानिस्तान शहर गजनवी वे मोहल्ला हजवेरी इस वास्ते दाता अली हजवेरी कहंदे ने। इस वजह दे नाल आपनूं दादा अली हजवेरी किया जांदा वे। आओ मुसलमान भाइयों मेरे करीम आका दे नाल प्यार करने वालों हजरत दादा अली हजवेरी चलदे जा रहे ने रस्ते दे अंदर एक जगह ते पड़ाव कीता की वेख्या एक लोग बैठे ने जिहड़े लोग बैठे ने सूफिया दा लिबास पहनिया वे, सूफिया दा लिबास अल्लाह दे वलियां आला लिबास पहने होया लिबादा उड़िया होया वे ते बैठे ने ते दुनिया इकट्ठी कर रहे ने दुनिया इकट्ठी कर रहे ने। मैं आख्या सजनों इस जगह दे मैं पड़ाव करना चाहना वा कोई चंद दिहाड़े ठहरना चाहना वा। मेरे दादा अली हजवेरी फरमाते ने की होया उन्हां लोगों ने मैनू मारना भी उन्हां लोगों ने जगह दे दे दित्ती पर ताने भी मारने हद्दा के की होया दादा अली हजवेरी फरमाते ने की होया एक बंदा आया उन्हें खरबूसे लैके आ गया कहन लगा अल्लाह दे प्यारियों खरबूजे खा लो ऐ खरबूजे लैके आए ने जदों खरबूजे लैके आए खरबूजे सामने पेश कीते खरबूजे खाना शुरू कर दीते खरबूजे खान तो बाद जिहड़ियां छिलकां ने उन्हां लोगां ने जिन्हां ने लिबादा वलियां दा ओढ़िया वे जिन्हां ने लिबास वलियां वाला पाया जिन्हां ने शकल वली वाली पर कम वलिया वाले नहीं उन्होंने मनु छिलका भी मारिया ते मेरे पीर सुल्तानो लारे फीन बोले है जाओ मबन को सुभान अल्लाह तेरा गज के गौना सुभान अल्लाह यार सुल्तानो लारे फीन सुल्ताने बाहू बोले फरमंद ने जे कर जूंदे आए मर रहे ना होवे फरमांदे ने जे कर जूंदे आ
मर रे ना होवे ते वांग फकीरा रहिए पूजे कोई सुटे गिर गडे खूड़ा ते वांग रूड़ी दे सही पूजे कोई देवे ओए गावे ते यार दे बारू सही हाथ डोर असादी मेरा का मिल बाहू जिवे रखे होवे रही ना छिलना मारनिया खाग खरबूजे दादा ली हजवेरी को भी एक बंदा आया खरबूजे लेके दादा साहब को हजूर तुहाडे वास्ते तोहफा लेके आया वा आपने तोहफा ते कबूल फरमा लिया दिल विच सोचिया कि खरबूजा ते मैं खाण लगा वा पर ये तो सोच कि तेरे नबी ने खरबूजा खादा वे तेरे नबी ने खरबूजा खादा वे अनावल फरमाया ते खा कि हर लम्हा दे रहा मुस्तफा दी सुन्नत दे ताबे होके चल रहा वे किधर अपने नफ्स नु राजी करने वास्ते मुस्तफा दी सुन्नत दे खिलाफ ना चलनी ए भी वेख अल्लाह दे नबी ने खादा फरमाया भुख भी मनु बड़ी ज्यादा लगी अल्लाह अकबर कबीरा भुख दे सताए होए दादा अली अजवेरी ने अपने इलम दे विच निगाह मारी आपने फरमाया कि मनु रवायत मिली मुस्तफा दी खान दी मुस्तफा दे खान दी रवायत मिली कि अल्लाह दे नबी ने खरबूजे नु तनावल फरमाया फिर उन सोची बह गए ए अली हजवेरी ए तू खरबूजा ते खा रहे है मुस्तफा ने भी खादा पर ए ते वेख अल्लाह दे नबी ने थलों कट के खादा या उत्तो कट के खादा वे ए भी मुस्तफा दी सुन्नत है अगर इस सुन्नत ते भी अमल हो जाए तो जिंदगी दे अंदर खिलाफ सुन्नत कोई कम नहीं होएगा आप सोची बह गए ऐसी रवायत ना मिली आपने आख्या फरमाउन लगे रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम मनु भुखा रहना ते बर्दाश्त है पर खिलाफ सुन्नत हो के मैं कभी खाना भी नहीं खावांगा खाना भी नहीं खावांगा आपने खरबूजा परे सुट दिता पर खादा नहीं क्यों वजह ऐसी कि अल्लाह दे नबी ने पता नहीं किवें कट के खादा वे किवें कट के खादा वे इस वजह दे नाल जो कटना मेनू नाना मिलिया ते मैं खरबूजा खाना ते गवारा नहीं किया पर मुस्तफा दी सुन्नत अमल कर लिया वे तो हजरत पता ही लग्या कि अल्लाह दे प्यारियां दा हर हर अदा ही सुन्नत दे ताबे हुंदी है इस वास्ते असीं कहिंदे हुंदे आ जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा ऐसे पीरे तरीकत बेला पढ़ लो ना मोहब्बत नार मोस्ता फा जान रहमा पेला को सलाम शमाए बज में अल्लाह अकबर कबीरा आपने खरबूजा नहीं खादा
ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰ ਅਦਾਈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਸੀ ਹਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕੌਲ ਫੇਲ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਅਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਸੀ ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿਲਕੇ ਮਾਰਨੇ ਛਿਲਕੇ ਮਾਰੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਰਦਾ ਗਿਰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਾਦੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਜੱਲੀਆਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇ ਇਹ ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਈਆਂ ਵਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਐ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਪੀਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਟੁਰ ਜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਿਆ ਵੇਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੀਰ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰਾਵੀ ਦੇ ਗੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਗੰਢੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅੱਜ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਰਾਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਰਾਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਵਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੇਗਾ ਇਹ ਰਾਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਦਾ ਡਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਾਵੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਗੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਾਈਡ ਵੱਟ ਗਿਆ ਵੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਓ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਵੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਅਜ਼ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰੋ ਝਾੜੀ ਦੇ ਖੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉ ਬਾਬਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੁਲਾਉ ਬਾਬਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਸੱਪਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੂਣ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲੇ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਆਇਆ ਬੋਸਾ ਲਿਆ ਵੇ ਬੋਸਾ ਲਿਆਓ ਇਹ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਵੇ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਭ ਡੁਰ ਗਿਆ ਵੇ ਸਭ ਨੇ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਜਾ ਟੁਰ ਜਾਓ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦਨਾਬੀ ਦੇ ਗੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ
और रावी दे कंडे दे आ जाए अल्लाह दे फजल दे नार मुसीबतां उठो डेरा चुक जानगियां आओ कुर्बान जावा लोग धीरे धीरे जमा होना शुरू होगा लोग आना शुरू हो गए अल्लाह दे वली दा डेरा आबाद होना शुरू हो गया जो तो डेरा आबाद होया ना ने एक तो माई गुजरी जिन्हें सिर ते मटका रखिया वे बर्तन रखिया वे ते जा रही है ते जो तो जा रही ना तो मेरे दाता अली हजवेरी अपने रब का जिक्र पै करते ने अल्लाह का जिक्र पै करते ने ते अल्लाह हो दिया सदावां देंदे ने अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह 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 पढ़ लो ना बदी नू सत्ते खैरा ने अपने रब दा नाम लेना में मुहब्बत दे नाल गा लोना अल्लाह 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 दिया सदावां पईयां जा रहियां ने अल्लाह दा नाम लिया जा रहा वे ए बीबी ने जदों वेख्या बड़ा सोहना चेहरे वाला जदों बीबी की निगाह पई ना जिक्रे खुदा दे कन धरे एडी सोहनी आवाज इतनी प्यारी आवाज ते जदों आवाज दे नाल चेहरा वेख्या ते फिर वेंदी रह गई है दादा साहब नूं जदों वेख्या ते फिर वेंदी रह गई ते मेरे दादा की निगाह झुकी सी ते वेख्या कहती है रब्बे काबा की इज्जत की कसम एडा सोहना अज दिखर वेख्या ही कोई नहीं एडा सोहने चेहरे वाला चेहरा होंदा क्यों ना एडा सोहना जो है जो नबी दी आल दा एक शहजादा सी सैयद दादा सी सैयद सी ना और सैयद सदके लाने वाला सैयद नहीं सी यार देन वाला सी कौन है मोहब्बला सुबहान अल्लाह तो जेड़ा सैयद सदके लावे वह सैयद होंदा नहीं क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सैयद नू सदका लगदा बोलो यार सैयद नू सदका नहीं लगता ते जेड़ा सदका ना लवे असल सैयद उही हुंदा वे आओ मुसलमान भाइयों मेरे दादा ने वेख्या ते बीबी फेंदी रह गई कदम पुटिया ही ना गा जो तो कदम पुटन जोगी मजाल ही ना रही ते फिर आला हजरत अजीम अल बरकत ने भी मुस्तफा दे नवासे की गल की थी जी आखो तो सुना दवा मबन ना को सुबहान अल्लाह सारे हजारा सारे गज के को सुबहान अल्लाह आओ मुसलमान भाइयों आला हजरत अजीम उल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ताजदारे बरेली इन्हां दे बारे भी आया मेरे दादा अली अजवेरी फरमांदे ने ए इमाम अहमद रज़ा दे बारे मैं मुल्के शाम ने अंदर गया अदे सैयदना बिलाल हबशी दी कबर दे गया वा जदों कबर मुबारक दे गया जदों दुआ कीती मैं उस जगह दे बैठ गया मेरी अख लग गई जदों मेरी अख लगी मैं की वेना वा मदीना ए रसूले मदीना ए रसूले मुस्तफा दी कचहरी लगी है अल्लाह दे नबी दे साहबा भी तशरीफ फरमाने इमाम अहमद रज़ा गैरत इमाम गैरत इमाम मेरे मुस्तफा दी झोली मुबारक है अल्लाह दे नबी दी झोली विच सर रखिया किन्ने इमाम अहमद रज़ा ने गल वखाउणा मेरी जिम्मेदारी मनाउना मेरा कम नहीं वखाउणा मेरा कम है मोहब्बत नाल खाउणा सुबहान अल्लाह जिस इमाम नू असी मनने वा मुस्तफा दी झोली मुबारक विच सर इमाम अहमद रज़ा दावे अरहम बै करदे ने मैं दादा अली अजवेरी फरमांदे ने मैं अल्लाह दे नबी दी बारगाह विच पुछया या नबी अल्लाह ऐ मेरे नाना जान ऐ तुहाडी झोली विच आराम करन वाला कौन है हे झोली विच आराम करने वाला ए सोना कौन है आपने फरमाया मेरे लजपाल करीम ने फरमाया अली हजवेरी ए होर कोई नहीं इनु इमाम अहमद रज़ा कहंदे ने इनु इमाम अहमद रज़ा कहंदे ने ते जेड़ा गोदी रसूल विच खेडे
जेड़ा गोदी रसूल च आराम करे उस इमाम दी शान की होगी। फिर मैं क्यों ना गावा गैरत दा इमाम इमाम अहमद रज़ा ताजदारे बरेली बोले आ फरमान ने तू है एने नूर तेरा सब घराना एडी वड्डी गल सुन के भी अजे तुसा नहीं बोलना तो फिर पता नहीं केड़ी गल ते बोलोगे तू है एने नूरी तेरा सब घराना नूर का तू है एने नूरी तेरा सब घराना नूर का तेरी नस्ले पाख में है बचा बचा नाना मस्जिदी फिदा गुंजनी चाहिए सीने दा दौर ला के जिने जिने दादा दा लंगर खाता है तेरी नस्ले पाख में है बचा बचा नूर गा तेरी नस्ले पाख में है बचा बचा आला हजरत आओ मुसलमान भाइयों मेरे दादा अली अजमेरी एडा सोना चेहरा बीबी वेंदी रह गई कदम पुटन जोगी मजाल नहीं पई मेरे दादा दी निगाह उठी फरमाया माई किधर बई जानी है जवाब आया बाबा ए जेड़ा सामने दरख्तां दा झुंड नजर आ रहा वे इंदी परली सैन देख राए राजू बैठा है राए राजू बैठा वे जादूगर मैं उन्हूं दुध देन जा रही हूं फरमाया दुध मुल लैंदा नाना बाबा मुल नहीं फरमाया फिर किवें दुध लैंदा वे उन्हें आख्या दबके दे नार लैंदा वे ए अपना सोन ला के लैंदा वे अगर दुध ना पहुंचे साड़ियां मज्जा दूध नहीं देनिया दूध की बजाय खून आंदा वे इस वजह दे नार जो ए गल की दी बीबी ने फरमाया अम्मा आ जा अम्मा मेरे कोल आ जा इत्थे आ जा अगे सौदा उन्दे नार कीता है एक सौदा मेरे नार कर उधर सौदा कीता है वो भी घाटे दा कीता है मेरे नार सौदा कर वादा ही वादा होएगा ए दुध मैनू दे जा पर रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम हुण जाके मज्जा छोएगी मज्जा दुध भी डबल देनगियां अगे नारों ज्यादा दुध मिलेगा ए माई ने जेड़ा गड़वा दुद्दा वे मेरे दाता दी बारगाह दे अंदर पेश कीता जदों दाता दी बारगाह दे अंदर पेश कीता फिर की होया मेरे दाता ने दुध तनावल फरमाया कुछ दुध तनावल फरमान तो बाद दूसरा रावी दे सबुर्द कर दिता रावी दे अंदर सुट दिता ओ बीबी वापस आई शाम दा वेला होया जदों शाम दा वेला होया बीबी ने की कीता बर्तन धोने शुरू कर दिते अगे दे मामूल दे मुताबक एक दो बर्तन धोंदी है अज सारी घर दे बर्तन धो छड्डे ने खामद कहंदा है करमा वाली की गल है अज की बणिया वे बर्तन सारे बई धोंदी है ते सारे दे सारे बर्तन ए मज्जां दे कोल लै के आ गई है जवाब आया
ऐ मैं तेनू की दसा अज रावी दे कंडे दे बैण वाले बाबे ने वादा कीता है अगर दुध दी जगह दे खून आवे दुध दी जगह दे खून आवे या दुध वध ना होवे ते जिम्मेदार मैं वां मेरे कोल दुध लै लई मेरे दादा दे नाल प्यार करन वाले हो मेरे दादा दी नगरी दे जाण वाले हो तवज्जो फरमाओणा दादा दी नगरी दे ता जाने आओ अज दादा दी शान वी सुनदे जाऊं की होया ए बीबी दे खावंद ने मज्जां नूं चोणा शुरू कीता एक बर्तन नहीं भर गया दूजा भी भर गया वे तीजा बर्तन भी भर गया रब्बे काबा दी कसम बर्तन मुक गए ने पर मज्जां दी खीरी विच दुध नहीं मुकिया फरमाया रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम घर दे बर्तन मुक गए पर मज्जां दी खीरी विच दुध नहीं मुकिया हैं ए फैज़ दाता अली हजवेरी दा सी कुरबान जावा मेरे दादा दी शान ओ माई फिर दुध इकट्ठा करके लै गए दाता दी नगरी ते ए उदों दा फैज़ चल रहा है अज अल्लाह दी इज्जत दी कसम साडियां हुकूमतां एदे एवें टैक्सां दा नां लैंदियां ने टैक्सां ते नहीं चलदियां मेरे दादा दे गल्लियां ते पई हुकूमत चलदी है ए दादा दे गल्लियां दे भई हुकूमत चलदी है और अल्लाह दी इज्जत दी कसम मैं ऐसे लोकां दी जुबान विचों भी सुनिया कि रात नूं अगर भुख लगदी सी ना ते सानू किधरे जेब विच पैसा भी ना मिलना अगर खान नूं खाना ना मिलना ते दादा दी नगरी ते चला जाना ऐसा ऐसा खाना मिलना कि होटलां विच भी ऐसा खाना नहीं मिलता ए दुनिया मेरे दादा दे लंगर दे भई फलदी उत्थे जाके कुर्बान जावां दादा अली हजवेरी अपना इस तरह एक दिन कंडे ते बैठे ने की होया एक हिंदू गुजरिया उत्थों दी कौन हिंदू गुजरिया हिंदू दा गुजर होया जे तुहाडी तवज्जो है ते सुना देवा फिर गल माबा ना को सुभान अल्लाह या गज के को सुभान अल्लाह आओ मुसलमान भाइयों एक बंदे दा गुजर होया उत्थों दी हाथ विच थाले ते मेरा दादा उत्थे अल्लाहू दीआं ज़रबां पिया ला रहा दादा अली अजमेरी अल्लाह हुंदियां ज़रबां बइयां लगदियां ने ए हिंदू गुजरिया जदों हिंदू गुजरिया हाथ विच थाले हाथ विच थाल पकड़िया ते लै के जा रहा वे मेरे दादा ने ओ पुछिया सजना किधर ब्याह जाना है ए किथे जा रहा वे जवाब आया बाबा ए बाबा मैं मंदिर जा रहा वा मंदिर जा रहा वा किथे बोलिया जो किथे जा रहा मंदिर जा रहा वा फरमाया बाबे पुछया मंदिर की करना ही जागे उन्हें आके अपने रब दी अपने पुत दी पूजा करांगा जिनू मैं रब मनना वा उंदी पूजा करांगा फरमाया मन कर लख पूजा पर ए ते दसना इस थाल विच की है उन्हें आख्या बाबा की दसा इस थाल विच चूरी लैके जा रहा वा देसी घ्यो दी चूरी बनाई है फरमाया किधर लैके जा रहा वा इस चूरी दा की करेंगा उन्हें आके अपने रब नू खवावांगा लानत ऐसे खुदा दे भी जेड़ा अपने बंदियां कोल पिया खांदा वे उन्हें आख्या मैं अपने रब नू खवावांगा पुत नू खवावांगा जदों ये गल कीती आओ मुसलमान भाइयों मेरे दादा ने फरमाया अगे भी चूरी लैके जाना वे उन्हें आख्या जी हर रोज लैके जाना वा ए मेरे मालका दा मैनू हुक्म है मैनू आर्डर हर रोज लैके जाना वा आपने फरमाया अज मैनू नाल लै जा अज मैनू भी नाल लै जाओ उन्हें आख्या बाबा तेरा मंदिर विच की कम है तू ते होर रब नू मन्ना वे
मैं होर नू मनना वा तू उथे जाके की करेगा। उन्हें बाबा बोलिया मेरा दादा अली हजवेरी बोलिया ए दादा दी नगरी दा लंगर खान वाले तवज्जो रखिया जो मेरे दादा ने फरमाया चूरिया दे पहले तू लैके जाना वे कदी खादिया नहीं आज जड़ी लैके जा रहे आवे थाल अगे लैके भरिया आना दिल जाना भी भरिया वे आज भरिया ते लैके आया वे पर जावेगा खाली। उन्हें आख्या बाबा वजह एक ही वजह उन्हें आख्या आज तेरा रब चूरी भी खावेगा कुर्बान जावा जदों ये गल की थी कहन लगा बाबा ये किवें होंदा वे ये किवें हो सकदा वे फरमाया वो कोई खवाण वाला होवे ते बुत दी की मजाले खावे ना। मैं आख्या दाता दा मुरीद होवे दाता दा मुरीद होवे खाजा साहब हिंदुस्तान दे अंदर लड्डू खवा देंदे ने ये ते फेर भी पी रहे फिर भी पीर जे मुरीद दिए शान ते फिर पीर दा की मकाम होवेगा। ये शान है खिदमतगारों की सरदार कालम क्या होगा। मोहब्बत ना तुसी कहना क्या हो गया तुसी होर कुछ नहीं जुमला बोलना अपना सीने दा जोर ला के जिन जिन दादा दा लंगर खाता है ना आज उस दादा दे लंगर सीने दा जोर ला के कहना है पता लग जाए किन्ना के तुसी दाता दा लंगर खादा में। ये शान है खिदमतगारों की तो सरदार कालम ना ना स्वाद नहीं आया। शान है खिदमतगारों की तो सरदार कालम मोहब्बत नार गैलो ना तो सादा अली हजवेरी फरमाया सजना मैनू भी लै चल तेरा बुत चूरी खाएगा खवाण वाला होवे ते की मजाल पत्थर भी खा जांदे ने खाण वाला खवाण वाला तो कोई होवे। मेरे दादा अली हजवेरी नार चले ने ए बंदे ने थाल पकड़िया वे लैके जा रहा हूं बुद्ध खाने दी अंदर गया हूं। उन्हें अपने बुत नू जाके चुमिया चटिया इबादत की थी उन्दी जो कुछ भी उन्हां दा तरीका कार सी करन तो बाद उन्हें लंगर ए जिड़ा थाल पेश कीता एक बारी मुहब्बत ना को सुभान आओ मुसलमान भाइयों मेरे दादा ने जिहड़ी फरमाने उन्हें सारा कुछ कीता तो बाद थाल चुकया जिंदे विच चूरी जदों थाल चूरी आला चुकया बत नू कहण लगा रब जी खाओ खाओ एक वारी आख्या दूजी वारी भी आख्या तीजी वारी भी आख्या ना खादा। मेरे दादा ने फरमाया सजना ए थाल मैनू दे ए थाल मैनू दे पहले तू इबादत कीती है इने नहीं खादा जिन्हों तू रब कहना तेरी मनी कोई नहीं मैं इनू रब नहीं कहता हूं थाल लिया हूं मैं जाना तेरा रब जाने हूं मैं जाना हूं तेरा रब जाने आपने थाल पकड़िया ते फरमाया सजना खा इनू खाना जरा जो दादा अली हजवेरी ने आर्डर दिता ते जो आर्डर दिता ए जिना बुत सी उन्हें अंज करके हाथ बन्ने ने हाथ बन के उन्हें डिजाइन के अंदर जो उनका नक्शा बनाया वे उन्हें हाथ खोले थाल नू चुमण गया वे ते सारे दा सारा थाल एक मिनट तो पहले खाली कर दिता वे। मेरे दादा ने फरमाया सजना मैं तेनू आख्या सी कोई खवाण वाला होवे ते बुत दी की मजाल खावे ना खवाण वाला ते होवे इंदी की मजाल खावे ना।
कुर्बान जावा जो उस बंदे ने पुत नूं चूरी खाने वेख्या उन्हें आख्या ए रब्बा इन्ने साल हो गए तेरी इबादत करदे नूं तेरे सामने मत्ता रगड़दिया नूं है तेरे सामने गोडे रगड़दिया नूं साड़ी एक भी नहीं मनी इन्हें तेरा कुछ भी नहीं किया ते तू इंदा कहना भी मन लिया आवाज आई चुप करके टुर जा ये तो तेनू आम बंदा प्या लगता है ना पर मैनू पुछ इंदी शान की है इंदी शान की है इंदा मकाम की है आओ मुसलमान भाइयो ए बंदे ने थान पकड़िया वापस ही आ गया जो डेरे दे आया हूं जो तू अपने मालका ने डेरे दे आया हूं मालका ने पूछा सजना चूरी किथे चूरी किथे मबना को सुभान अल्लाह यार गज के को सुभान अल्लाह उन्हें आख्या चूरी किथे वे जवाब आया चूरी दे पुत खा गया रब साहब खा गया उन्हें आख्या अगे कदी नहीं खादी अज भुख ज्यादा कोई लग गई जेड़ा खा गया उन्हें आख्या भुखा दा ते मनू कोई नहीं पता अगे खवांदे असी सी कदी मनी कोई नहीं अज खवाउण वाला आ गया वे अज खवाउण वाला आ गया वे उन्हें आख्या कौन उन्हें क्या ओ रावी दे कंडे थे जेड़ा अल्लाह हु दियां जरबां बाबा पे लांदा ने ए उन्हें खवाई है उन्दा कमाल है जो तो एक गल की थी उन्हें क्या असी नहीं मानू असी नहीं इस गल नू मानू और जिमें कहते ने हम ना माने उन्हें क्या असी नहीं मानते मनु दे इस गल नू उन्हें अगर नहीं मानते तो फिर प्रैक्टिकल करके वेख लो प्रैक्टिकल करके वेख लो मैं तो नजारा वेख आया वा तुसी मनो या ना मनो मैं तो अपनी अखां नाल वेखिया मैं तो नहीं हूं कह सकता कि वह नहीं कर सकता मैं तो अपनी अखां दे नाल सारे नजारे वेख के आया उन्हें दे अंज खाधी है जिवें पता नहीं कई सालां दा भुखा सी इस वजह ना उन्हें खाधी मेरे सामने उन्हें आखिया चल आ फिर सानू भी बखा उन्हें कहा बनाओ थाल फिर चूरी का थाल चूरी का बनाओ थाल बनाया बाबे दे कोल पंज सत जी रल के आ गए आ बाबा फरमाया किवें आए हो ऐ बाबा चूरी सुनिया तू बुत नूं खवाई है फरमाया हाँ खवाई है एक बारी साढ़े सामने खवा आपने फरमाया मैं को तुहाडे वास्ते वेला वा ये वेला बैठा वा कि पंज तुसीं हुण आ गए हो घंटे के बाद फिर कोई पंज सत आ जाओगे ये मैं इसे काम वास्ते इत्थे आया वा ना ना उन्हें आखिया बाबा फिर की करिए उन्हें कहा लाहौर दे सारे हिंदू कट्ठे कर लिया फिर मैनू दस्या जे फिर अपने पुत दे सामने सारे खड़े हो जाए जो थाल चूरी दा लै के तुसी आ जाए जो खवाना दादाली अजमेरी दा काम है मेरा गम में जो दादाली अजमेरी ने ये गल उन्होंने आगे लाहौर के सारे हिंदू मुशरक सारे काफिर कट्ठे हो गए इकट्ठे हो गए उन्हें आख्या पुतों चूरी खवाण वाला भी बाबा आ गया वे ए बुद्धा नु चूरी खवाण वाला भी आ गया वे उन्हें आख्या उन्हें काफरा आख्या ये किवें हो सकदा वे उन्हें आख्या होवे या ना होवे ए हो गया वे ए हो गया वे ए सारे बुतखानियां ने ए जिन्ने भी ए मुशरक ने ए हिंदू ने इकट्ठे हो गए मंदिर विच पहुंच गए बाबे नु पैगाम आ गया बाबा लाहौर दे सारे हिंदू मुशरक इकट्ठे हो गए मेरे बाबे ने दाता अली हनवेरी चलने चलने जदों कोल गए बुद्ध दे कोल गए बुद्ध नु जदों वेख्या फरमाया सजना होर आ गई है होर आ गई है चूरी होर आ गई है उन्हें जो ये गल सुनी ये काफराया गया बाबा किवें गल्ला करेगा उन्हें आख्या तुसी गल्लां नू रोंदे हो मैं दीन चूरी भी खवाउणी है तुसी ते गल्लां दीआं गल्लां पै करदे हो कुरबान जावां जदों मेरे दादा अली हनवेरी ने उन्हां काफरां दे सामने मुशरकां ते हिंदुआं दे सामने मेरे दादा ने थाल सामने कीता फरमाया खाओ खा जरा ए ओ चूरी है ए चूरी खाना ए मामूली चूरी नहीं
अज मुश अज कुफर दे ईमान इस्लाम दे कुफर दे मुकाबला विच ए चूरी आहड़ बन गई है। अज खावेगा ऐ जिन्ने बैठे ने सारे इस्लाम ने अंदर दाखिल हो जाएंगे। मेरे दादा ने आर्डर दिता फरमाया खाओ नहीं तो मैं तेनू दूसरे तरीके नाल भी खवावांगा। जल्दी सारे दा सारा थाल खा गया सारे दा सारा थाल चूरी दा खादा। जदों खान तो बाद की होया काफरा ने बुत दा पासा छड़िया मेरे दाता वाल लपके मेरे दाता वाल जो लपके ने आपने फरमाया ओ काफरो ए मेरे वाल ना आवो मेरे वाल सजदा ना करो क्योंकि मनु सजदा करना जायज नहीं। ओना काफरा आख्या फिर बाबा सानू दसना असी किस दर ते जाइए। आपने फरमाया मेरे अल्लाह नू मन लो तो मेरे नाने मुस्तफा दा कलमा पढ़ लो ते मेरे हाथ ते बैत करके मेरे मुरीद हो जाओ। फरमाया मेरे हाथ ते बैत करके मेरे मुरीद हो जाओ। पूरे लाहौर की तकदीर मेरे दाता ने बदल के रख छड़ी। जिते कुफर सी उते सारे कलमा बनने वाले बन गए। ते फिर असी क्यों ना गईए निगाह वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। मोहब्बत नार बालो ना जिड़ा पीर वाला बैठा जिन्ना मुर्शद जिड़ा मुर्शद वाला बैठा बनेगा। निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मैं तो आख्या किधरे बंदे पढ़ते बैठे मैं तो पता लगे सारा स्पीकर का ही शोर है तुम तो पढ़ते ही नहीं पे मब्बा के नाल पढ़ो। मैं ये गल की जो पीर वाला बैठा है जिंदा मुर्शद कामल है वे जिंदे सिर ते ओ अपने कामल मुर्शद का तसव्वुर रख के पढ़ेगा। निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह की इज्जत की कसम है मेरे दाता दी नगरी क्या बात उस नगरी दी जिथे जेड़ा आया है फैज ही लेंदा गया वे। जे कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आया वे ओ भी फैज लाके टुर गया। ये कोई आम आया चाहे अंग्रेज सी अंग्रेज ही सही आया तो जो आया अल्लाह की इज्जत की कसम फैद लैके टुर गया। एक ने आख्या और आए राजू इस बाबे ने जदों ना माई उस दुध तो खत्म हो गया जाना बंद हो गया। राय राजू हूँ परेशान हो गया की करा। उन्हें आख्या पता किता अपने हवारियों पिछा कल्या जरा चक्कर मार के आओ ये किधरे रस्ते में कोई कम तो नहीं पै गया। ऐ जिवें बंदे अक्सर जो पानी लाते ने जाके जरा मोगे तिकर गेरा तो मार गया पानी तो राज टुटिया मार दियो ना चक्कर के खाले तक तो पानी तो नहीं वगदा पे टुट तो नहीं गया जेड़ा आगा नहीं आ रहा की गल खैर हो नहर तो नहीं पिछो बंद हो गई। ये मेरे दादा ने पिछे डक्का ला छड़िया सी हुण गां कुछ जाना नहीं सी गां हुण कुछ नहीं जा सकता सी। कुर्बान जावा उन्हें अपने हवारी भेजे हवारी आए वह भी दाता की बारगज बह गए दूजा आया तीजा जिन्हें भी हवारी सी सारे उठे। खीरी राय राजू आप उठ के आना पे जो आया ना राय राजू साहब उन्हें कहा बाबा की गल है ए मेरे मुरीद सारे अपने को बिठाई जाना। उन्हें कहा लै जा जे जाते ही तो यह लै के जाना ही तो लै जा फिर जे हिम्मत आ गई तो लै जा। उन्हें मुरीदा हुक्म दिता उन्हें आख्या जे मेरे डेरे ते ना ना तुसी आए तो फिर याद रख लिया जे फिर तुहाडे नाल हाल मैं की करांगा। उन्हें आख्या सानू धमकियां ना दे उधर वेख जेड़ा आया उन्हें जिम्मेदारी लै ली है साड़ी जिम्मेदारी वो नहीं बैठा है
जो नुकसान करेगा जिम्मेदारी हुई होगा। अगर मज्जा दूध की जगह से खून देन गया तो जिम्मेदारी ऐसे लई है। उन्हें कहा बाबा यह जिम्मेदारी तू लई। उन्हें कहा हां। उन्हें अपने सह ड्रामे किए। ड्रामे करने तो बाद ना जो तो ड्रामे कर करके थक गया आखिरी हरबा उन्हें इस्तेमाल किया। उन्होंने कोई दम दरूद किया तो उड़ना शुरू कर दिता हवा के अंदर। पता ही लग्या चाहे कोई झूठा भी हो ना अगर अपने झूठे इलम के नार हवा च उड़ लवे उन्होंने ये नहीं वेखना कि हवा के उड़ रहा तो पीर साहब हो गया ना ना पीर ओ ही होगा जेड़ा मुस्तफा की शरीयत का ताबेदार होगा। पीर उ होगा। आओ मुसलमान भाईओ जो हवा के अंदर उड़िया ना तो कोल ही दादा साहब की नलैन पई सी खड़ावे पैसी जे पंजाबी दे विच आखा ते जुत्ती पई सी हैं पोला मुबारक पिया सी। आपने उन्हें पोलिया नूं आर्डर दिता तुसी अजे थल्ले उदा उड़दा पिया तो तुसी थल्ले पए हो। खड़ावे बाबे की जुत्ती उड़ी उन्दे सिर विच जदों पईआं ना कोई पंज सत खल्ले पै ते आंदा जमीन ते तशरीफ लै गया ते हथ बन के बह गया। ना कहा बाबा मैनू भी अपना हथ गां करते मुरीद कर ला जिंदे खड़ावां विच ये हाल है उनका खुद वजूद का की आलम होगा। वो जिन्हां दे खड़ाव्यां विच इतनी ताकत है रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है उनके वजूद का की आलम होगा। और मैं आख्या नबी दे एक नवासे का ये आलम है ते नबी दी पंज तन पाक का की आलम होगा। कुरबान जावां जदों मुरीद होया उनका नाम फिर शेख आपने दाता अली हटवेली ने नाम रखा शेख हिंदी। अज भी दाता दे कदमां दे विच उस बंदे दी कबर है ते जदों जाओ उत्थे सलाम भी पेश करो क्योंकि इन्हें दाता दे खड़ावे चले हुए हैं। ये दाता दे खड़ावे चल के मन गया शुक्र है मन गया सही। अज दुनिया सारा कुछ वेंदी भी पई है शिरक दे बिदत दे फतवे भी ला रही है पर दाता दी अल्लाह दी इज्जत दी कसम नगरी दे उत्ते दिन ब दिन रौनक वधदी जा रही है घटी नहीं। इन्हां दे शिरक दे फतवे विच ही रह गए हुजरिया जोगे रह गए। फतवे देते जी दाता दी नगरी दे जाना शिरक है उत्थे नहीं जाना चाहिए। मैं कह रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम मौलवी जिन्ने मर्जी फतवे दे ला दाता दी नगरी आबाद ही रहनी है क्योंकि अला इन औलिया अल्लाह ही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए ओ अल्लाह दा वली है अल्लाह दे वली ओ या करदे ने जिन्हां नूं कयामत दल दे ना खौफ होवेगा ना गम होवेगा। हजरत जी वली ओही है जेड़ा शरीयत दे मुस्तफा दा ताबेदार। समझ आ रही गल दी? शरीयत दे मुस्तफा दा ताबेदार जेड़ा नहीं ओ वली नहीं। जेड़ा दुनिया दा मालो मदा इकट्ठा करे ओ वली नहीं। जेड़ा गैर महरमा दे सामने बवे ओ वली नहीं। जेड़ा गैर महरमा दे बराबर बवे ओ वली नहीं। जेड़ा बीबियां नू अपने शाना बशाना खड़ा करे ओ वली नहीं। वली उही होएगा जेड़ा मुस्तफा दी शरीयत दा ताबेदार होएगा। हैं ये याद रखिया जो जेड़ा बीबियां नू नार बिठाए दा आके बीबी जी आऊं थोड़ा जिहा दम करा तुहानू नार होवो हैं कोल होके बवो ओ पीर नहीं ओ लितरां दे काबिल है रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है। हैं चाहे दमां विच जिन्ना भी असर होवे हैं दम करे बीमारियां उधर डेरा चुक जान। ए नहीं वेखना बीमारी डेरा चुकया कि नहीं ए वेखना शरीयत दा कितना क पाबंद है। हैं ए शरीयत मुस्तफा दा कितना किताबेदार है ते जेड़ा अपने कोल बीबियां नूं बिठाए ते बीबियां दे सिर ते कपड़े भी ना होन ते फिर भी आखे असीं अल्लाह दे वली आ ओ वली नहीं हो सकदा। वली उही होएगा जिन्हों मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी कहंदे ने हैं जिन्हों दादा अली हजवेरी वेख्या गया। आप बीबियां भी आईयां पर रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम अज भी मेरे दादा दी नगरी ते चला जा अज भी मियां साहब दी दरगाह ते चला जा। बीबियां जे अज भी जाणगियां ते उत्थे भी पर्दे विच खलोणगियां जिन्ना दी कदर तू अज भी बीबियां पर्दा वियां करदियां ने रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम हयाती विच किन्ना पर्दा करवांदे होणगे दुपट्टा नहीं सी बच्ची दे सिर ते कपड़ा नहीं आया सी
तो जो मियाँ साहब घर आए ना तो आपकी बेगम कोल बैठी सी, आपने फरमाया करमा बारी बच्ची के सिर पर दुपट्टा दे। तो जो ये गल की उन्हें कहा हजूर ये दो साल की बच्ची है, फिर की होया? फरमाया ये दो साल की बच्ची है जे अज इन शरीयत मुस्तफा दा और सैयदा जहरा दे पर्दे दा इनू वल ना सिखाया तो वड्डी होके भी वल नहीं सीखेगी। अज इनकी तरबीयत कर। मेरे मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी ने यह दसिया कि लोग चाहे बच्ची दो साल की भी होवे उन्हें भी पर्दे विच रखेगा। अज जेड़ा कोई मुल्ला या कोई पीर फकीर आखे बीबी मेरे बराबर बह सिर ते दुपट्टा भी नहीं फैशन किया होया है ते अपने नाल बिठाए रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम चिट्टी भी वड्डी दरगाह दा वो पीर होवेगा। वो कभी भी पीर नहीं हो सकता, पीर ओ ही होवेगा जेड़ा अपने मुस्तफा दी शरीयत दा ताबेदार होगा, अल्लाह दे कुरान दा मुहाफिज होगा। एक गल याद रखनी है, जेड़ा बीबिया नु बिठाए पीर नहीं, जेड़ा बीबिया नु बिठाए पीर नहीं, एक गल याद रखनी है मेरी, पीर ओ ही है जेड़ा बीबिया तो भी पर्दा करे, बीबिया नु करवाए भी तो करे भी। अज दा मार्केटा में अल्लाह माफ करे थे कारोबार बन गए ने इन्हां पीरियां पीरां नु सिर ते भी चढ़ाया साडियां बीबिया ने। जिथे जाके वे मर्जी वेख ला लुट मार वाले बेली बैठे ने उते बंदा एक भी नहीं होगा, सारिया बीबियां सत्तर कल्याण बन के बैठी हो। बड़ा पहुंची हुई हस्ती है हजरत जी, इस वास्ते अपने घर का माहौल बदलो है, पीर उही बढ़ो, ओह पीर की बैत करो जेड़ा मुस्तफा की शरीयत का ताबेदार होएगा। अल्लाह के दुआ है अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين। حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، اس حوالے سے تمام اپنے سنی بھائیوں کو ہم मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही साथ जो कि मुझे एक बयान सुनाया गया हज़रत अल्लामा साहब का, जो कि दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के औसाफ़ हमीदा से मुतालिक है, बड़ा दिल महजूज़ हुआ, तबीयत खुश हुई और ये दिल में एक नूरानियत सी पैदा हुई बयान को सुनकर कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे हीरे अता फरमाए हैं कि जो कि शरीयत के अंदर रहते हुए औलिया किराम की शान को बयान करते हैं, न वो हद से तजावज़ होते हैं न हद से पीछे। जो औलिया किराम की शान व अज़मत है उसको मद्देनज़र रख कर अकाबिर उलमा के हवाला जात को मद्देनज़र रखते हुए बयान करते हैं। बेहमदही ताला अल्लामा साहब के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियों से हम किनार फरमाए। और हमारे प्यारे भाई निसार साहब जो कि इस उनवान पर बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी कामयाबियों से हम किनार फरमाए।